अब हम एनसीईआरटी किताब से अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.4 के आगे के प्रश्नों को अब हल कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा। मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं। तो मान लो, तो यहां पे आप लिखो माना पचास रुपए के नोटों की संख्या एक्स मान लिए तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने वाई माना है। ठीक, 50 रुपये और 100 रुपये दोनों के नोटों को हमने मान लिया। फिर प्रश्न फिर पढ़ते हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, ठीक है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई। तो उसने खजाची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दोनों मिला के 2000 रुपये देने के लिए कहा। कितने कितने के, 50 रुपये के नोट और प्लस करेंगे 100 रुपये के नोट, दोनों मिला के उन्होंने 2000 रुपये देने के लिए कहा। तो 2000 वो निकालने के लिए गई, तो उसमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोट थे। तो 50 रुपये के नोट, नोटों की संख्या को हमने क्या माना है, एक्स, ये रहा एक्स, इसके साथ गुणा कर देंगे। और 100 रुपये के नोट है, नोटों को हमने वाई माना है, तो इसके साथ वाई का गुणा कर देंगे। ठीक, इसको हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। फिर क्या कहा है कि कुल नोट, उन्होंने 25 नोट प्राप्त किए। कुल नोट मतलब एक्स और वाई को अगर जोड़ते हैं तो दोनों मिला के 25 नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे लिखो एक्स प्लस वाई बराबर कुल नोटों की संख्या, उन्होंने 25 प्राप्त किया। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण दूसरा। ठीक, ये समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ें। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको हल करेंगे। तो हमें इन दोनों चरों में से किसी एक चर को बराबर करना है। तो हम अभी तक सिर्फ x वाले चर को बराबर करते हैं, तो यहाँ भी x वाले चर के मान को ही बराबर करेंगे। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे 50 है, लेकिन यहाँ पे 50 नहीं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण दो में 50 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखो समीकरण दो में 50 का गुणा करके समीकरण एक में घटाने पर 50 का गुणा कर दो इसमें, तो इस पूरे मान में 50 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 50x प्लस 50y बराबर, इसके साथ 50 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1250। अब समीकरण एक को उतार लो, तो ये हो गया 50x प्लस 100y बराबर 2000। घटा दो तो चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा घटाने पर। ये दोनों प्लस माइनस होने के कारण कट गया, यहाँ पे ये माइनस में, ये प्लस में है, तो माइनस बड़ा है, इसलिए ये आ गया माइनस 50y आएगा। यहाँ भी माइनस बड़ा है, तो ये माइनस घटाएंगे तो ये आ जाएगा 750 आ जाएगा। तो दोनों में माइनस 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 है, दोनों से माइनस कट गया, तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा, तो ये 750 हो गया। वाई बराबर 750 बटे 50 हो जाएगा, तो ये हो गया, कट गया ये दोनों, पाँच से पाँच के पहाड़े से ये कट जाएगा, तो पाँच एकम और पाँच पंचे 25, तो वाई का मान प्राप्त हो गया 15। ठीक, यहाँ पे समझ में आया, वाई का मान कितना आया, 15 आ गया। अब इस वाई के मान को समीकरण दो में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखो समीकरण दो में वाई का मान रखने पर, समीकरण दूसरा क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 25। तो ये हो गया एक्स, वाई का मान 15 बराबर ये हो गया 25। तो ये एक्स 15 को उस पार ले जाओ, तो 25 माइनस 15, तो एक्स का मान प्राप्त हो गया यहाँ पे 10। तो ये जो x का मान आया है ये 50 रुपये के नोटों की संख्या है, और ये जो y का मान आया है ये 100 रुपये के नोटों की संख्या है। अब इन दोनों को गुणा कर होता है 1500 होगा, और 10 गुणित 50 करेंगे कितना होगा, 500 होगा। दोनों को जोड़ दो तो देखो 200 आ रहा है, 2000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो 2000 आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो x और y का जो मान आया है वो एकदम सही आया है। अब आगे हल कर लेते हैं लास्ट प्रश्न को। तो लास्ट प्रश्न है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो मान लो,
माना नियत किराया एक्स है तथा अतिरिक्त दिन का किराया किराया वाई है। हमने नियत किराए को एक्स माना और अतिरिक्त दिन के किराए को हमने वाई मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सरिता ने कितने दिन पुस्तक रखा और कितने रुपए चुकाया, इसी तरह से सुशी ने कितने दिन पुस्तक रखा और कितने रुपए चुकाया, इसको हम लिख लेते हैं। तो सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखा और कितने रुपए दिए, 27 रुपये। इसी तरह से सुशी ने पुस्तक को कितने दिन रखा, 5 दिन रखा और कितने रुपए दिए, 21 रुपये दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 दिन का जो किराया है वो तो फिक्स है, नियत है। तो जो 7 दिन बुक रहा है, बुक यहाँ पे 7 दिन जो पुस्तक पुस्तक रखा है, उसमें से 3 दिन का जो पैसा है वो फिक्स है कि आप 3 दिन रखोगे तो आप इतना देना ही पड़ेगा, उसके बाद 4th दिन को आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहे तो 7 को कैसे लिख सकते हैं, 3 दिन तो फिक्स है, तो 3+4 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 27 रुपये। ठीक, इसी तरह से इसको भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 और कितना बचा यहाँ पे, 3 दिन तो यहाँ पे आ गया नियत, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया लगेगा, तो ये 5 हो जाएगा, तो 3 × 2 = 5 हो गया और इसको 21 रुपये देना पड़ा। ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 दिन के जो किराया है ये नियत किराया है, तो नियत किराया फिक्स है, तो नियत किराया को हमने क्या माना है, एक्स। तो जहाँ पे 3 है उसको एक्स लिख लो, ये 4, और जहाँ वाई है मतलब अतिरिक्त दिन के किराया है, तो 4 के साथ वाई का गुणा कर देंगे, बस ये हो गया 27। इसको समीकरण 1 मान लो। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, ये जो है नियत किराया है तो इसको एक्स मान लो, क्योंकि ये पहले से फिक्स है, इसलिए हम 3 को एक्स मानेंगे ही मानेंगे। फिर अतिरिक्त जो किराया है उसको हम 2 के साथ वाई का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21। तो ये आ गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो चिन्ह में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों एक्स कट गया, यहाँ पे बचा क्या, 2y बचा, और इसको भी घटा दो तो घटाने पर ये आएगा 6। तो यहाँ पे तो ये आ गया वाई बराबर 6/2 हो जाएगा, तो वाई का मान प्राप्त हो गया 3। ठीक, वाई का मान प्राप्त हो गया यहाँ पे 3। ये क्या है, अतिरिक्त किराया है। ठीक है, अतिरिक्त किराया है। अब हम वाई के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस 2y बराबर 21। तो ये एक्स प्लस 2y का मान कितना है, तो अरे यहाँ पे दिखाई नहीं, तो ये हो गया एक्स प्लस 2y, तो 2y का मान कितना रखेंगे, 3 बराबर 21। तो ये हो गया एक्स प्लस 3 × 6 बराबर 21, तो ये हो गया एक्स, ये हो जाएगा 6 उस पर चला जाएगा, 21 − 6, तो एक्स का मान प्राप्त हो गया 15। तो जो नियत किराया का जो रेट है वो कितना है, 15 रुपया है। तो ये क्या है, नियत किराया। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया। तो नियत किराया आया 15 रुपया, जो 3 दिन का जो किराया है ये 15 रुपया उनको देना फिक्स तय था। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे वाई का मान आया ये अतिरिक्त किराया है, उसके बाद 4th दिन 5वां दिन 6वां दिन उस दिन का पैसा, मतलब 4th दिन का पैसा 3 रुपया अतिरिक्त भार देना पड़ रहा है प्रत्येक दिन के हिसाब से। तो ये आ गया नियत किराया और अतिरिक्त किराया। इस तरह से ये प्रश्नावली 3.4 पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रश्नावली 3.5 को हल करेंगे।